भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बनने वाले संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांग जन को संचालित करने के लिए जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडेयन ने मेडिकल कॉलेज में भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने जीडीए को निर्देश दिया है कि मनोविकास केंद्र के 3 कमरों की मरम्मत करके अस्थायी सीआरसी हेतु तैयार करें। आपको बता दें कि 14 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सीआरसी में जेई एईएस से ग्रसित विकलांग हुए बच्चों की ट्रीटमेंट किया जाएगा। नए सीआरसी भवन के लिए मेडिकल कॉलेज परिसर में भूमि चिन्हित कर ली गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सीआरसी के नए भवन का भूमि पूजन तथा मनोविकास केंद्र में अस्थायी सीआरसी का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जून या जुलाई महीने में कर सकते हैं, इसलिए दोनों कार्यक्रमों की तैयारी अभी से शुरू कर दें। उन्होंने नगर निगम द्वारा बनवाई जा रही सड़क का निरीक्षण किया। सड़कों पर गिट्टियां डाली गई हैं। जिलाधिकारी ने समय से इसका निर्माण पूरा कराने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गणेश कुमार, दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी मीनू सिंह, केंद्र के प्रभारी अधिकारी नीरज मधुकर सहित नगर निगम के मुख्य अभियंता एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडेयन ने बताया। अच्छा मतलब स्टार्ट ओके ठीक है। मान लीजिए तो आपका 25 का तो 24 जून 30 तक दे रहे। बचा नहीं पाऊंगा आप लोगों को, है ना? आप कितने बार नाराज हो गए हमको, 3-4 बार बच्चों को दिया, उसमें सर 20% डाल दिया, थोड़ा पत्थर कर देंगे। दिन रात भर लगाओ, लेबर बढ़ाओ, रात में भी काम। ये लास्ट बाउंड्री से इधर तक आएगा सर, 1.5। चालू नहीं हुआ है तुम्हारा काम भाई? चालू नहीं है टिप्पणी मोटी वाले, चालू नहीं है क्या? टेंशन कितने जमीन मिला है? 1.56। यही म्यूटेशन में आपका नाम दर्ज हो गया, वही बन गया। ये उनको मनोज जी से लेके ये बिल्डिंग उस पर आता होगा जी, जर्जर भवन जी, उसके इसी साइड है सर, वो तो इधर है। कितने मंजिल के बनेगा ये? 3 स्टोरेज है सर। 3 स्टोरी जी प्लस। कितने का है बजट? टोटल बजट 14 करोड़ का है सर, मेन बिल्डिंग के लिए, और 4 करोड़ का करीब करीब है सर। 14 करोड़ में कितने पैसा अलग हो गया? सीपीडब्ल्यूडी किस प्रोसेस में है? टेंडर वेंडर हो गया? लेआउट हो गया, इसके बाद टेंडर का प्रोसेस। फिर यार दोनों साथ होगा ना, उसका इनॉग्रल भी कर दो, भूमि पूजन इसको हो जाएगा जी। क्या किस स्टेज पे है हम? नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी एक बिल्डिंग से काम हो ही रहा है सर। कहाँ हो रहा? नहीं ऑलरेडी बना या नहीं भी हमारे यहाँ। अच्छा बायरोलॉजी वालों तो छोटा ही टाइम से जगह दी जा चुकी है, 800 और दे देंगे। देखिए स्कूल में प्रोग्राम है, वो आएंगे पक्का, तो आते आते यही पूछेंगे क्यों काम नहीं हुआ, तो उनका एक ही वाचा होता है, कोई समझा नहीं, टेक्निकली कोई समझा नहीं पाएंगे, है ना? 2-3 बार टेंडर हो गए विलम्ब हो गए, ये मानेंगे लग जाओ रात में भी। मेडिकल कॉलेज में दिव्यांगजन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट केंद्र सरकार का मंत्रालय, उसी के अंदर 14 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। उसका इस साल यानी तो जून जुलाई से दिव्यांग जन के लिए, मतलब श्रवण बाधित है, मानसिक विकलांग है, शारीरिक विकलांग है, मुंहबधिर बच्चे हैं, सबको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ, तकरीबन 1000-2000 बच्चे का। उसके साथ साथ वो टीचर का जो पीजी कोर्स चलता है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, उसी का भी पढ़ाई का व्यवस्था हम लोग इस साल से करवा रहे हैं। उसको तो टेम्प्रोरी 30 भवन का हम लोग जीडीए का भवन है, उसको हम लोग उनका हैंड ओवर करा रहे हैं। जुलाई से उसका काम चालू हो जाएगा, साथ साथ निर्माण का काम सीपीडब्ल्यूडी माध्यम से चलाया जाना है, उसका बजट भी अभी आ गया है, वो काम भी जून जुलाई में प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इसी पूरे प्रदेश में विकलांग जन का जो कहाँ कहाँ किसका पढ़ाई होना है, ट्रेनिंग होना है, ऑक्यूपेशन थेरेपी होना है, जो भी होना है, वो गोरखपुर में जून जुलाई से चालू हो जाए।
सर प्रदेश में पहला केंद्र है कि और केंद्र है प्रदेश के अंदर? ये प्रदेश में एक ही पहला केंद्र है, पूरे प्रदेश में गोरखपुर में चालू हो रहा है अब जुड़े से।